नमस्कार दोस्त, ऑटरिंग में आपका स्वागत है। आज हम अटानु दास की प्रेरक कहानी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें और नियमित स्पोर्ट्स अपडेट के लिए ऑटरिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अटानु दास ने अब तक ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया है। अटानु दास ने रैंकिंग राउंड को खराब तरीके से समाप्त किया और ड्रॉ के माध्यम से आगे बढ़ते हुए कठिन परीक्षणों का सामना भी किया। पहला बड़ा परीक्षण 32 के राउंड के रूप में जल्दी आया क्योंकि उन्होंने कोरियाई महान का सामना किया जो टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभियान की सफलता से ताजा थे। लेकिन अटानु दास ने कोरियाई महान के एक दुर्लभ दिन का सही उपयोग किया क्योंकि भारतीय तीरंदाज ने उन्हें एक थ्रिलर में पछाड़ दिया जो शूट ऑफ में गया। अटानु 2-4 से पीछे चल रहे थे लेकिन उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए 5-5 से बराबरी कर ली जिसके कारण शूट ऑफ। अटानु दास ने अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए अपना समय जरूर लिया लेकिन वर्तमान में उन्हें दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक विनम्र पारिवारिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले कोलकाता स्थित तीरंदाज ने शहर की उत्तरी हिस्से में एक पड़ोस क्लब यानी कोलकाता तीरंदाजी क्लब में अपनी यात्रा शुरू करी। ये वो जिन हायक थे जिन्होंने शूट ऑफ में पहला तीर मारा था और ये एक सम्मानजनक 9 का स्कोर था लेकिन उन्होंने अटानु को कुछ खास करने का मौका दिया था और अटानु ने इस परफेक्ट 10 के साथ उसको अर्जित किया। अटानु दास को राउंड ऑफ 16 एनकाउंटर में फुरोवावा टाकाहारू से हारने के बाद पुरुषों की व्यक्तिगत तीरंदाजी स्पर्धा से बाहर कर दिया गया था। भारतीय तीरंदाज अंतिम सेट में 4-6 से लड़ते हुए हार गए क्योंकि तीरंदाजी में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। आइए जानते हैं अटानु दास के जीवन और उनकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। अटानु दास ने 14 साल की उम्र में तीरंदाजी में रुचि ली और अपने कौशल को बढ़ावा देने के लिए अकेडमी में दाखिला भी लिया। इसका नाम था कोलकाता तीरंदाजी अकेडमी। उन्हें तीरंदाजी का शौक था और उन्होंने खेल में सफल होने का वादा भी किया था। अटानु दास वर्तमान में भारत पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड में कार्यरत है। उन्होंने दीपिका कुमारी से शादी की है जो एक साथी तीरंदाजी खिलाड़ी और पूर्व विश्व नंबर 1 है। अटानु दास ने रिकर्व मिक्स टीम में 2013 तीरंदाजी विश्व कप में कांस्य पदक जीता था। एक साल बाद दास ने मेडलिन में आयोजित 2014 तीरंदाजी विश्व कप में रिकर्व मेंस टीम और मिक्स टीम में क्रमश सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता और रोकला में आयोजित रिजर्व मेंस टीम में सिल्वर जीता। अभिजात वर्ग के स्तर पर स्नातक होने के बाद भी वह लगातार बने रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी पदक जीता। अटानु ने 2016 के रियो ओलंपिक में भाग लिया लेकिन मनचाहा नतीजा ना मिलने पर उन्होंने एक बेहतर तीरंदाज के रूप में वापस आने के लिए खुद पर काम किया और ओलंपिक में टीम कोथा स्थान करने के लिए 2019 में नीदरलैंड में विश्व चैंपियनशिप में तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव के साथ पुरुष टीम के रजत पदक का दावा भी किया। उन्होंने इस साल ग्वाटेमाला में अपना पहला विश्व कप व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने के लिए और सुधार किया और पेरिस में विश्व कप 3 में मिश्रित टीम स्पर्धा में पत्नी दीपिका के साथ एक और स्वर्ण पदक जीता। 2019 एशियाई चैंपियनशिप में अटानु ने रिकर्व मिक्स टीम, रिकर्व मेंस टीम और रिकर्व सिंगल्स में तीसरा स्थान प्राप्त किया और ब्रॉन्ज मेडल जीता। ऑटरिंग में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि अटानु दास की परफॉर्मेंस पे आपकी क्या राय है। धन्यवाद।